गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ये क्रिसमस पार्टी मेकअप लुक। होप आपको पसंद आए। और ये आप क्रिसमस पार्टी पे कर सकते हो, न्यू ईयर आ रहा है न्यू ईयर पे कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई भी पार्टी है तो आप इसी तरह से अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। स्टेप टू स्टेप मैंने बताया है। एंड इसमें मैंने इयररिंग्स 2 वेयर करे हैं, जैसे कि पर्ल्स वाले और एक ये राउंड गोल्डन वाले। आप बताना कौन से अच्छे लग रहे हैं और आप भी कुछ ऐसे आइडिया ले सकते हो। एंड लिप शेड मैंने इसमें लाइट और डार्क रखा है। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आता तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को कर लिया है सब्सक्राइब, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर लिया है ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देरी किस बात की। स्किन केयर फॉलो कर रखा है जैसे मैं आपको सभी वीडियोस में दिखाती हूँ। सो फर्स्ट हम यहाँ पर आईब्रो से स्टार्ट कर रहे हैं। आईब्रो को फिल करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्रो किट, जिसमें से मैंने लाइट ब्राउन कलर को पिक किया है और जिससे मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी। सो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पर पिक किया है मेबेलिन न्यूयॉर्क का इंस्टेंट एज रिफाइंड कंसीलर और मेरा शेड नंबर है 130 मीडियम। और ये आपको किसी भी साइट से मिल जाएगा, आप कहीं से भी बाय कर सकते हो। एंड इसका लिंक मैं दे दूँगी, अगर आपको बाय करना है तो आप लिंक के थ्रू जाके बाय कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर ये पूना स्टोर का है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर है। इसे हम अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इम्पैक्ट ले रही हूँ पर्पल का बनाना पाउडर, जिससे कि मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी अच्छे से ब्रश की हेल्प से। सो उसके बाद यहाँ पर मैंने स्पॉटलाइट का आई शेडो पैलेट लिया है और ये मैंने इंस्टाग्राम के स्टोर से लिया था। और इसमें से मैंने रेड कलर को पिक किया है और जो ब्रश देख रहे हो ये फोकलर का ब्रश है, मिनी वाला ब्रश है। सो इसे मैं प्लेस करूँगी, अभी मुझे ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ मैंने कलर को फिल किया अपने लिड पे। जो आज का आई मेकअप है ये काइंड ऑफ स्मोकी आई होने वाला है, रेड स्मोकी आई। सो ब्यूटी ग्लेस का पैलेट पिक किया है, जिसमें से मैंने ब्राउन कलर को पिक करके अपने रेड कलर के ऊपर मैं प्लेस कर रही हूँ, क्रीज लाइन तक लेकर जाऊँगी। और ये एक फ्लैट ब्रश है। अगेन मैंने क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और ब्राउन कलर को मैं ब्लेंड करूँगी क्रीज लाइन तक और क्रीज लाइन के ऊपर तक मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मेक श्योर आप जब भी मेकअप करते हो अपना ब्लेंडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, ब्लेंडिंग अच्छी करोगे तो आपका मेकअप अच्छा लगेगा। सो अगेन मैंने यहाँ पर रेड कलर को पिक करके अपने रेड कलर को अच्छे से ब्लेंड करा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लम का काजल लिया है, जो कि मैं एज अ लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। और आप देख सकते हो जो आज का आई मेकअप है वो बिल्कुल सिंपल है, सटल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये जो मैंने प्लम का काजल लिया था उसे ड्रॉ कर लिया है एज अ लाइनर। अगेन मैंने ब्यूटी ग्लेस में से ब्लैक कलर को पिक करके फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसके ऊपर ब्लेंड करूँगी, स्मच करूँगी। ठीक है, आप देख सकते हो अच्छे से वो स्मच हो जाएगा, फैलेगा नहीं और वो एक एज अ लाइनर वाली भी लुक देगा। सी गाइज आप मेरा आई मेकअप देख सकते हो। सो यहाँ पर जो एक्सिस फॉल आउट हुआ था उसे मैं रिमूव कर लूँगी और जो अभी इनकम्प्लीट आई मेकअप आई जो रह गया है आई मेकअप वो बाद में करेंगे। तो जो फेस पे फॉल आउट था वो रिमूव करके मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल लिया है 24 कैरेट वाला और उसे मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। उसके बाद मैंने प्राइमर लिया है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर और इसे मैं पम्प से ही लगाऊंगी, पम्प की हेल्प से। एंड गाइज आप शाइन देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन आई है, ये आप एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छा है। एंड इसका शेड नंबर है 01 नेचुरल टिंट। उसके बाद मैंने एनवी बे का कलर करेक्टर लिया है ऑरेंज कलर का, जहाँ पर भी मुझे डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं उस पर मैं अप्लाई कर लूँगी, लाइक माउथ एरिया और अपने अंडर आई एरिया पे मैं अप्लाई कर रही हूँ इसे। और फिंगर के हेल्प से मैं टैप टैप कर लूँगी, मतलब ब्लेंड कर लेना है। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो बट मैं फिंगर के हेल्प से कर रही हूँ।
फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेबलिन न्यूयॉर्क का सुपर शेड 24 फुल कवरेज फाउंडेशन, और मेरा शेड नंबर है 310 सन बीच, और काफ़ी अच्छी कवरेज देता है आप देख सकते हो। और मैं इसे पहले ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी अपने पूरे फेस पे, और ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, जिनकी ऑयली स्किन है वो यूज़ कर सकते हैं, और जिसकी ड्राई स्किन है वो इसमें फेशियल ऑयल ऐड करके लगा सकते हैं, जिससे कि आपका फेस ड्राई ना हो और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए फाउंडेशन। मैंने पहले से लगा लिया था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी फेशियल ऑयल की, और डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है, आप देख ही सकते हो। आप इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो और जैसे कि ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। फेस को कंसील करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है श्री कृगी का मिनी लिक्विड कंसीलर, और इसे मैं अपने फोरहेड पे और अपने अंडर आई एरिए पे आप देख सकते हो और माउथ एरिए पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर NVB का क्रीम कंटोर ले रही हूँ, जो कि विंटर्स में काफ़ी अच्छे रहते हैं क्रीम प्रोडक्ट, सो अपने पूरे फेस को कंटोर कर लेंगे फोरहेड नोज चिन जो लाइन पे, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग पे ही ध्यान देना है, चाहे वो आई मेकअप हो या फिर वो फेस मेकअप हो, अगर आपने ब्लेंडिंग अच्छी कर ली तो जो आपका मेकअप है वो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आप देख सकते हो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है मेरा जो क्रीम कंटूर था। सो अब यहाँ पर अपने फाउंडेशन को सेट कर लेंगे सेम पर्पल के कॉम्पैक्ट से बनाना पाउडर से। तो यहाँ पर मैंने शुगर की पैलेट ली है, जिसमें से मैं पाउडर कंटूर ले रही हूँ, और अपने फेस पे जहाँ पर क्रीम कंटूर की थी उसी के ऊपर उसे सेट कर लूँगी, और ये ब्रश मिनी सो का है। पैलेट में से मैं ब्लश ले रही हूँ, स्माइल करते हुए हम लगा लेंगे अपने फेस पे ब्लश, और ये ब्रश आप देख रहे हो ये है फोकलर का। एंड यहाँ पर मैंने अब अपने लोअर लैशेस पे रेड कलर को प्लेस किया है और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड यहाँ पर प्लम का काजल लिया है, जो लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लेंगे, और उसे भी एक बार अच्छे से स्मच कर लेंगे ताकि वो ना फैले स्टे रहे। वैसे तो प्लम का काजल आप लगा लेते हो वो हिलता तक नहीं, आप उसे जितना भी ब्लेंड कर लो। सो हो चुका है मेरा आई मेकअप डन। और बारी आती है फेस को हाइलाइटर करने की, यहाँ पर मैंने शुगर की पैलेट में से ही हाइलाइटर को पिक किया है और अपने पूरे फेस को हाइलाइट कर लेंगे, जिससे कि हमारा फेस शाइन करे। और आप मेरा मेकअप आई मेकअप देख सकते हो, वो आज मैट में है, आप इसे नाम दे सकते हो काइंड ऑफ रेड स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। होप आप लोगों को आज का आई मेकअप पसंद आए। सो इनर कॉर्नर को भी अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे स्मॉल ब्रश की हेल्प से। एंड यहाँ पर मैंने मस्कारा अप्लाई किया है बेला वोस्टी का। एंड यहाँ पर ना आज मैंने फॉल्सेस अप्लाई नहीं किया, बिकॉज मेरी ना क्या बोलते हैं ग्लू ख़त्म हो गई थी, तो ऑर्डर करी है, आ जाएगी कल या परसों में, तो हम नेक्स्ट किसी मेकअप में ट्यूटोरियल में लगाएंगे और आप लोग से शेयर करेंगे। तो बस मस्कारा अप्लाई हो चुका है, बेला वोस्टी की लिपस्टिक ली है, सो ये कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गई थी, लिपस्टिक है बहुत ज़्यादा मिक्स मैच करके लगाई है। एंड उसके बाद अपने मेकअप को फिक्स कर लेते हैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। सो डन माय सी गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। होप आप लोगों को आज का मेकअप लुक पसंद आया हो, या आप किसी पार्टी फंक्शन में कर सकते हो। सी कौन से इयररिंग्स भी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, कौन सी लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लग रही है, बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर करना। हेल्पफुल हो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड सर्कल में, कमेंट करके बताना। फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।